अभ्यास कार्य आपको दिया जा रहा है तो उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। पाठ 17 में भी अगर पेड़ बन जाओ तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ है। पहला है पथिक, पथिक का अर्थ होता है राही। अगला है भाग्य, भाग्य का मतलब होता है किस्मत। अगला है स्वयं, स्वयं का अर्थ होता है खुद, अपने आप। फिर इसका अगला प्रश्न है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इसमें कविता की आधी पंक्तियाँ दी हुई है तो हमें उसे पूरा करना है। हरा भरा फल फूलों वाला मैं भी सुंदर पेड़ बनूंगा, अपने बल अपने बूते पर आसमान की ओर बढ़ूंगा। अगला प्रश्न है पेड़ जैसा कौन बनना चाहता है। उत्तर है पेड़ जैसा बालक बनना चाहता है। अगला प्रश्न है पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। इसका उत्तर है पेड़ से हमें छाया, मीठे फल, लकड़ी, गोंद आदि मिलते हैं। अगला प्रश्न है पेड़ पथिक को कैसी छाया देते हैं। उत्तर है पेड़ पथिक को शीतल छाया देते हैं। अगला प्रश्न है कोई 5 फलदार पेड़ों के नाम लिखिए। उत्तर है 5 फलदार पेड़ निम्न है, आम, अमरूद, केला, सेवफल और चीकू। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कोई 5 फूल वाले पौधों के नाम लिखिए। उत्तर है 5 फूल वाले पौधे निम्न है, कौन कौन से हैं, गुलाब, गेंदा, चमेली, मोगरा और केवड़ा। इसके अलावा और भी अगर आपको आते हैं तो आप लिख सकते हो। प्रश्न 7, सही शब्द के सामने सही का तथा गलत शब्द के सामने गलत का निशान लगाइए। जो इन दोनों में से जो शब्द सही है, सारी मात्रा जिसकी सही है उसी पे हमें सही का निशान लगाना है। तो किसी, और ये भी किसी लिखा हुआ है लेकिन इसमें क में बड़ी की मात्रा है और स में छोटी की मात्रा है, लेकिन हम किसी इस प्रकार लिखते हैं, क में छोटी की मात्रा, स में बड़ी की मात्रा। अगला है पथिक, इसमें थ में बड़ी की मात्रा लग रही है तो ये गलत है, और प में प, थ में छोटी की मात्रा और क, तो ये वाला पथिक शब्द सही है, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगला ये ठंडी, तो ये गलत है, इसमें न आधा आता है तो ठंडी ये वाला सही है, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। कभी, और ये भी कभी, इसमें छोटी की मात्रा है तो गलत है ये, और कभी में भ में बड़ी की मात्रा लगती है, तो ये वाला शब्द हमारा सही है, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है वर्णों में मात्राएं इस प्रकार लगाइए कि फलों के नाम बने। ये कुछ वर्ण दिए हुए हैं तो इनमें हमें इस प्रकार की मात्रा लगानी है कि हमारा फल का नाम बन जाए। जैसे ये दिया हुआ है आम, तो आम तो कोई फल नहीं होता है, लेकिन अगर हम आम लिखेंगे तो वो फल का नाम हो जाएगा। पपत, तो हम इस प्रकार हम इसमें प, फिर प में छोटी की मात्रा, पी, त में आ की मात्रा, तो हमारा शब्द बन जाएगा पपीता, और ये एक फल है। उसी प्रकार लज, तो ये कोई फल नहीं है, लेकिन अगर हम ल में छोटी की मात्रा, च में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा लीची, और ये एक फल है। खरबज, हम ख, र, ब में बड़े उ की मात्रा, ज में आ की मात्रा, तो हमारा शब्द बन जाएगा खरबूजा, ये भी एक प्रकार का फल है। सब, तो हम इसमें स में ए की मात्रा लगाएंगे और ब, तो हमारा फल का नाम बन जाएगा सेब। चक, इसी प्रकार हम इसमें च में बड़ी की मात्रा, क में बड़े उ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा फल बन जाएगा चीकू। कला, क में ए की मात्रा, ल में आ की मात्रा, तो हमारा फल का नाम बन जाएगा केला। अनर, अनर कोई फल नहीं होता है, लेकिन अगर हम न में आ की मात्रा लगा देंगे तो हमारे फल का नाम बन जाएगा अनार। शब्द बनाइए, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, एक तो इसको हमें इससे जोड़कर हमारे शब्द को पूरा करना है। पढ़, अगर हम प में ड को जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा पढ़। इसी प्रकार बढ़, इसी प्रकार आगे चढ़ और बाढ़, तो इस प्रकार हम इस शब्द को इससे जोड़ देंगे तो हमारे शब्द बन जाएंगे।
आगे भी हमको इसी प्रकार शब्द बनाने हैं। पे में ढ को जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा पेड़, ज में ढ को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा जड़, दौड़, दो में ढ जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा दौड़, ऊ में ढ जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा उड़। इस प्रकार बच्चों ये आपका पाठ समाप्त हो गया है। आपको जो भी प्रश्न करवाए हैं वो सब आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।